हेलो स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली जिस चीज का आप लोगों को 5-10 दिन से दीपावली गुजार दिया, उस जिसका बहुत दिनों से पलों का उस पलों का इंतजार था, वो पल फाइनली अब खत्म हो चुके हैं और स्टार्ट हो चुका है रीप राजस्थान का स्पोर्ट राउंड। ब्रांड कॉलेज, ब्रांड ब्रांच बात कर रहा हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि सीटी उदयपुर, एमबीएम जोधपुर, जिसके लिए बच्चे एडमिशन लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेजेज नहीं है लेकिन और कोई कॉलेजेज नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यार तुम लोगों को इसी के अंदर रहना है तो कोई बात नहीं, लेके आ चुके हैं तुम्हारे लिए सीटीई का डायरेक्ट एडमिशन नोटिस, जहाँ पे तुमको करना अपने आप को रजिस्टर। तो आप यहाँ दे सकते हैं सीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग, जिन बच्चों को एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है लेकिन गलत ब्रांच में मिला है, दूसरी ब्रांच मिली है, उनको जो ब्रांचेज चेंजेज करनी है, यानी कि बात करें अपन इंटरनल स्लाइडिंग की, तो उसका भी ऑप्शन आ गया है सीटीई की वेबसाइट पे, देख सकते हो। ओके, तो अपन सॉरी कॉलेजों की बात करेंगे, रीप के अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रही है टॉप कॉलेजेस जो भी हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आरटीयू के भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल स्लाइडिंग का नोटिस आया है कि जो भी इंस्टीट्यूट लेवल पे 17 तारीख तक आपको अपनी फिलिंग करनी है। ओके, तो जस्ट ये नोटिस आया है। ओके, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ये सारे आपको दिया गया है। ओके, और ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है इस पीडीएफ के ऊपर, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है फॉर्म वगैरह भरने की। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट यहाँ पे जो आपको ब्रांच मिला है वो बस उसको छोड़ के आपको सारा कुछ भरना है, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म विच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कितने एमबी का आप उसका स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 MB का हो सकता है या फिर 1 MB का हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसके हिसाब से फिल करें, जैसा कि आप दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे वो ब्रांच फिल करें जो आपको चाहिए, ठीक है, जिसको जो आपको नीड हो, एक नंबर पे सबसे पहले वो ब्रांच फिल करें। जैसे एग्रीकल्चर है, ये है सिविल है, सीएससी है, ईई है, ईसी है। जिसको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए वो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं 100% आपको सीट दिलाने की, ठीक है। स्पेशल आपके लिए सीट करेक्ट नहीं की जाती है, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि ये हमको सीट कॉलेज वालों से कांटेक्ट करके फिर वैसे दिलाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और होता भी है तो हम तुमको बताते नहीं है, ठीक है बच्चे। ओके, तो जिसको भी लेना हो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि उसके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और जस्ट देख सकते हो कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है। ओके, अपने आप को जस्ट रजिस्टर कर दो जिसको सीट चाहिए, ठीक है। ये अपन आ चुके हैं ये जो जेएनवीयू का पोर्टल है। ओके, तो यहाँ पे बात करते, इतने दिन एमबीएम का नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन हाँ अब एमबीएम का आ चुका है स्पेशली, ठीक है, स्पोर्ट राउंड का नोटिस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी शो कर रहा था और जस्ट यहाँ पे भी शो कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, अपन को दिखाते हैं, ठीक है। सीटीई का आ चुका है, एमबीएम का आ चुका है। ओके, तो जस्ट एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नोटिस आ रखे हैं कुछ रिगार्डिंग एडमिशन के। तो सबसे पहले आप यही देख सकते हैं, एक तो इंटरनल स्लाइडिंग का आ गया था कल, ठीक है, कल शाम को एटलीस्ट। ओके, और ये जो स्पोर्ट राउंड का भी आ गया था कल, यानी कि 9 नवंबर को। ओके, तो आपको जो भी अगर आपको इंटरनल स्लाइडिंग करनी है तो आप जस्ट आप तो स्टूडेंट है ही, ठीक है, तो जस्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर डायरेक्टली क्लिक करें स्पोर्ट राउंड के लिए। जैसे ही आप स्पोर्ट राउंड के लिए क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड, और एडमिशन का नोटिस भी है। ओके, तो जस्ट अपन अप्लाई करते हैं स्पोर्ट राउंड पे, तो अपन वो जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अपन चलते हैं फिर से, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ओके, तो मेरे पास ये आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन यही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जैसे कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये रहा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज 261, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना है डिग्री का, ठीक है। तो ड्यू टू सम इश्यू, ये ऐसा इश्यू हो रहा है क्योंकि मैंने जो अपनी डिटेल्स वगैरह वो ठीक से फिल नहीं करी, ठीक है, ये दिस इज फॉर एंड लोकल पर्पजेज, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे सारी डिटेल्स सही से अगर फिल करेंगे तभी आपके पास ये जो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन आ नहीं रहा क्योंकि मैंने फॉर्म जो है ठीक से फिल नहीं किया। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो आप जस्ट घबराए नहीं। ओके यार, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, यही सबसे अच्छी बात है। अपन ने CTE की बात कर ली, अपन चलते हैं RTU की वेबसाइट पे। जैसे मैंने सर्च किया RTU कोटा, ओके, तो RTU कोटा की वेबसाइट आ चुकी है। यार RTU कोटा की वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, काफी दिन हो चुके हैं। ओके, तो देखते हैं RTU पे क्या सीन है, कैसे करना है आपको रजिस्टर। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है UD एडमिशन। ओके, तो आपको UD एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आपने UD एडमिशन पे क्लिक किया तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आके खुल गए। इंटरनल स्लाइडिंग फॉर एडमिटेड कैंडिडेट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग लिंक टू TFW कैंडिडेट, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, और रजिस्ट्रेशन फॉर फॉर स्पेशल राउंड स्पोर्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो जस्ट अगर आपको स्पोर्ट राउंड एडमिशन लेना है तो आप जस्ट ये गूगल फॉर्म वगैरह फिल करें। ठीक है, अब यार ये RTU वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा। ओके, तो जस्ट आपको ये जो फॉर्म वगैरह फिल कर देना है, जैसे इसकी लास्ट डेट वगैरह जैसे भी दे रखी है। ठीक है, तो यार यहाँ पे PDF वगैरह आ जाएगा आपको। अब आपका जो स्पेशल जो टोकन नंबर या फिर मेरिट नंबर दिया जाएगा कि आपका इतना मेरिट है, इतना टोकन नंबर है, और उसके हिसाब से जो पहले 10 होंगे, पहले 20 होंगे, पहले 50 होंगे, उसको सबसे पहले यानी कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाएगा। ठीक है, सुबह 10 से 11 बजे जो सबसे ऊपर बच्चे उनको दिया जाएगा। देन उसके बाद में कम मार्क्स वालों को ऐसे ऐसे करके, सबसे पहले जिनके मार्क्स 90+ या 95+ है, देन उसके बाद 90 वालों को मौका दिया जाएगा अगर सीटें खाली रहती है तो। देन उसके बाद में 80 या फिर 85, देन उसके बाद में 70-75, उसके बेसिस पे एडमिशन का चांसेस मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो यार अपने आप को रजिस्टर करें, और जिनको हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है, एडमिशन लेना ही लेना है, तो वो जस्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो ये आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आई थिंक ये यही ठीक ठाक कॉलेज थे जिनकी अपने बात कर ली के, और तो अपने को पता ही नहीं है कि और भी कोई कॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, या फिर अगर अपन बात करें यार BTU के अंदर तो ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें खाली पड़ी है, CS वगैरह की भी पड़ी है। ओके, और अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है, CS की भी बहुत सारी पड़ी है। अगर किसी को CS चाहिए और BTU में इंटरेस्ट हो तो यार वो भी जा सकता है, क्योंकि BTU ने मतलब बहुत सारी सीटें तो हमने ही छोड़ी है BTU के अंदर। ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो BTU में ले ले यार। बीकानेर के अंदर भुजिया बहुत अच्छा मिलता है, हमारे राजस्थान के अंदर तो यार भुजिया खाने का अगर किसी का मन हो, नमकीन भी बहुत अच्छी मिलती है, बीकानेर की फेमस नमकीन है। ठीक है, अमिताभ बच्चन भी एडवर्टाइजमेंट करता है ओके नमकीन का, भुजिया। ओके, भुजिया का जन्म बीकानेर में ही हुआ वैसे। ठीक है, तो ऐसा किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो बीकानेर जा सकता है यार, बहुत अच्छी भुजिया मिलती है वहां पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक ठाक है वैसे, मतलब बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी सीटें क्यों छोड़ रहे हैं ये लोग। ओके, तो जैसे यार इतना मतलब कंजेस्टेड वेबसाइट है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस को बीकानेर के पास शेयर जरूर करना, ताकि उनको पता चले कि हमारा वेबसाइट बहुत कंजेस्टेड है, और बच्चों को क्या काउंसलर भैया को भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे रजिस्टर करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो अपने कंजेस्टेड वेबसाइट को थोड़ा रिकंजेस्टेड करें, ताकि हमको कुछ समझ आए यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ओके, तो बीकानेर वालों को जरूर बताइए अगर आप जो वहाँ पे जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने या फिर फीस रिफंड लेने के लिए, तो जस्ट उनको कहे कि तुम्हारी वेबसाइट बहुत कंजेस्टेड है भैया, तो इसको थोड़ा ठीक कर लो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं यहाँ पे नोटिस वगैरह पढ़ लिया करो, उतना शौक नहीं है BTU का। हम टारगेट करते हैं MDM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, देन उसके बाद में CTE, देन उसके बाद में RTU। ओके, देन उसके बाद में आप ESSC पटियाला आ सकते हैं, या फिर IIT पटना, IIST शिवपुर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और IISc बेंगलोर। ओके, इसके बाद में आपके पास अगर आप और किसी अदर कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो जस्ट सोच सकते हो, कोई फायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट, और IISc इज माई फेवरेट, ISER इज माई फेवरेट। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छा होता है, NIT भी अच्छा होता है, NIT जयपुर बहुत कॉलेज अच्छा है, और NIT इलाहाबाद बाप कॉलेज है। ठीक है, ओके, गुड लक। IK गुजराल भी ठीक है।